तो क्रूज हमारा चल चुका है, पिछली वीडियो में आपने देखा पूरा क्रूज का टूर, हमारे रूम का टूर, कि हमको 8.5 लाख रुपए में क्या क्या मिला। तो 8.5 लाख रुपए बार बार मेंशन करने पड़ते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है भाई किसी के लिए भी देना। तो क्रूज़ यहाँ से निकल चुका है भाई उशुआया के पोर्ट से, और अब हम यहाँ पे पहुँचेंगे 10 दिनों बाद एंटार्क्टिका घूमने के बाद, और देखते हैं भाई ड्रेक पैसेज कैसा रहता है, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कहते हैं भाई कि पूरा सामान जो है ना रूम में वो पूरा उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ मतलब उथल पुथल सब कुछ हो जाता है, पर देखते हैं हमारे लिए ड्रेक पैसेज कैसा रहता है। अभी पानी शांत लग रहा है क्योंकि हम चल रहे हैं बीगल चैनल में से, मतलब ये मान लो 5-6 घंटे बाद बीगल चैनल से हम निकल जाएंगे ओपन ओशियंस, मतलब खुले समुंदर में, अभी दोनों तरफ ज़मीन ही है, तो वो जब हम पहुंचेंगे तब असली मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको। तो भाई जो क्रूज हमसे पहले निकला था वो भी एंटार्क्टिका ही जा रहा है, वो राशिप मैंने उसको ट्रैक कर लिया कि वो कहाँ जा रहा है, उसका मतलब पोर्ट जो होगा वो हमारे वाले से अलग है, मतलब वो कहीं और जाके डॉक होएगा एंटार्क्टिका में, हमारे वाला कहीं और होएगा। पर ड्रेक पैसेज में क्या पता आसपास ही चले तो इस क्रूज़ की भी हालत दिखाऊंगा मैं। होपफुली यार ड्रेक पैसेज सही रहना चाहिए, सही रहा तो नॉर्मल शेड्यूल था दिखा दूंगा आपको कैसा रहेगा, और ख़तरनाक रहा फिर तो आपको मज़े ही आ जाएंगे भाई। छोड़ने एक से कहना दिल नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे भाई, ये मिलना नहीं वाला, और ये समुंदर तो है ही भाई, मतलब एक ही बहुत ख़तरनाक चीज़, यहाँ से फ़ोन गिरा तो सीधा नीचे ही है। तो चलो चलते हैं भाई एंटार्क्टिका की तरफ। भाई हम तो मतलब ऐसा मन कर रहा है यहाँ पे ऐसे ऐसे नाचने लग जाए कभी सोचा नहीं था भाई एंटार्क्टिका जाएंगे, पागल लग रहे होंगे वैसे हम लोग ना, सोच रहे होंगे कि ऐसे भाई कैप्टन उस कैमरे में देख रहा होगा। अरे किसी और नहीं कह रही, नाच करो तुम मन कर रहा है हमारा नाचने का। तो भाई ये है हमारे रूम का, मतलब हमारे पहले फ्लोर का फ्रंट एंड, ये यहाँ से ऐसे खुल जाता है, और यहाँ पे बहुत बहुत तेज हवा चल रही है भाई, भाई पकड़ना इस दरवाजे को तेज हवा चल रही है, तो वो आगे निकल रहा है। ये आ गया हम फ्रंट एंड पे, यहाँ से कहीं कैप्टन देख रहे होंगे भाई शिप को कैसे क्या लेके जाना है। वो जो उस साइड आप देख रहे हो ना भाई वो पूरा चिले है, इस साइड जो आप देख रहे हो ये पूरा अर्जेंटीना है, ठीक है। अभी इन दोनों के बीच में से हम जा रहे हैं जिसको कहते हैं बीगल चैनल, ठीक है। अब बीगल चैनल से हम जब बाहर निकल जाएंगे तो हम आ जाएंगे खुले समुंदर में, अभी ये तो एक तरह से मान सकते हैं आप इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे लहरें इतनी नहीं आएंगी, पर लहरें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं देखो आप, ठीक है। तो भाई बीगल चैनल तो है अर्जेंटीना और चिले के बीच में, जो पानी का स्ट्रेच है उसको कहते हैं बीगल चैनल। अभी बीगल चैनल जैसे ही बाहर निकलेगा तो 3 समुंदर यहाँ पे जाके मिलते हैं जिसका नाम है अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और सदर्न ओशियन। और जब ये तीनों समुंदर आके मिलते हैं ना, कोई गर्म है कोई ठंडा है कोई कैसा है, किसी का पानी कम खा रहा है किसी का ज़्यादा सॉल्टी है, ये है वो है, तो भाई उसको बन जाता है वो ड्रेक पैसेज। अब ड्रेक पैसेज जब बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है तो उसको कहते हैं भाई ड्रेक शेक, ठीक है। ये मतलब कैप्टन यूज़ करते हैं ड्रेक शेक की, मतलब बहुत ज़्यादा शेक हो रहा है और कहते हैं भाई वॉशिंग मशीन सी बन गई है, बाउंडर सा बन गया है, उसमें बड़ा खतरनाक हो जाता है मामला। पर अगर ड्रेक पैसेज बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर बारी खतरनाक रहता है, कई बार शांत भी रहता है, तो उसको कहते हैं ड्रेक लेक। ड्रेक लेक का मतलब हो गया जैसे लेक होती है ना, जैसे तालाब हो गया, लेक को क्या कहते हैं हिंदी में भाजी? लेक को झील, 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 हाँ मतलब झील। तो वो झील में जब आप जाओगे बोट वोट चलाओगे तो बिल्कुल शांत रहते हैं, उसमें लहर नहीं आ सकती ना, तो उसको कह देते हैं ड्रेक लेक, जब बिल्कुल ड्रेक पैसेज शांत रहता है। पर जब खतरनाक हो जाता है तब उसको कहते हैं ड्रेक शेक। तो अब देखते हैं भाई हमारा ड्रेक पैसेज इसमें कैसा रहता है। और अब यहाँ पे मेरे को एक गेस्ट का कार्ड पड़ा मिला है, ये अब रिसेप्शन में वापस दे आऊँगा मैं ये किसी का रह गया, पता नहीं कौन सा रूम नंबर है, इस पर लिख नहीं रखा। भाई आप पूछ रहे हैं कि आप ड्रेक पैसेज से डरते हो गए, अब आप थोड़ा अच्छा समझोगे। देखो बता दिया नहीं उन्होंने भी, देखो भाई यहाँ पे सारी टीम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है ये ऑडिटोरियम में। भाई अनाउंसमेंट चलने लग रही है कि ड्रेक पैसेज में आपको क्या क्या नहीं करना है, लिफ्ट भी यूज नहीं करनी है आपको ड्रेक पैसेज में, इतना खतरनाक होता है। भाई पूरा अनाउंसमेंट करा इन्होंने कि ड्रेक पैसेज में क्या क्या नहीं करना, लिफ्ट यूज़ नहीं करनी भाई, भागना नहीं है पूरे शिप में, कहीं पे बाहर जाओ तो ध्यान रखना अपनी चीज़ों का कि बहुत ज़्यादा विंडी होएगा यहाँ पे,
और भाई बोला बाथरूम में फ्लोर स्लिपरी वगैरह होंगे और शिपिलेगा ना, गिर जाओगे वहाँ पे आप। तो सब बताया कि ड्रेक पैसेज का मतलब पोटेंशियली बेकार वेदर होगा, हो सकता है कि अच्छा भी हो। चलो भैया भाई ये आ गए हम डिनर करने, पूरा स्टाफ जितना भी डाइनिंग का है सारा वहाँ खड़ा है। और भाई आज मेरे को लग रहा है पहला दिन है तो सबको सारे लाइन में खड़े दोनों तरफ, और भाई कम से कम 20 से 25 लोगों ने बोला हेलो गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग। शर्म आ गया ना? हाँ मेरे को तो थोड़ी शर्म आ गई क्योंकि हमको इतनी आदत नहीं है ना भाई ये सब की। गुड हाउ आर यू? तो भाई डिनर का मेन्यू है ये वेजिटेरियंस के लिए प्लांट बेस्ड, और मतलब ये सारा अलाकारते है, मतलब अपने हिसाब से चूज करके आप बता सकते हो कि क्या खाना है, ये आज की चॉइसेस है। भाई ये आ गया अपना स्टार्टर, टमाटो सूप, और पाजी का सैलेड आया था वो पाजी चट कर गए हैं। तो भाई मैंने जो रील डाली थी उशवाया की, उस पर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया था कि उशवाया आखिरी सिटी नहीं है। भाई आखिरी सिटी वही है, आखिरी गाँव कोई और है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई हमारा क्रूज जा रहा है वहाँ से, उस तरफ अर्जेंटीना है ना भाई, इस तरफ है चिले, और वो रहा भाई प्योर्टो विलियम्स का शहर, जो कि है दुनिया का आखिरी गांव, टाउन गांव है यार वो, इतना छोटा सा है देखो, उशवाया कितना बड़ा था ना, इतनी दूर से भी दिख रहा था। यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1800 लोग रहते हैं, और वो जो है वो चिले के पहाड़ है, सारे चिले है ये। तो हम काफ़ी दूर आ गए हैं बीगल चैनल में, यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, ठंड भी ज़्यादा हो गई। तो वो रहा भाई प्योर्टो विलियम्स का शहर इन चिले, लास्ट टाउन, सदर्न मोस्ट टाउन इन द वर्ल्ड। चलो खाना खा रहा था, मैंने जीपीएस पे देखा कि भाई प्योर्टो विलियम्स आ गया है, तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ। पीछे प्योर्टो विलियम्स का एयरपोर्ट भी है, पर पता नहीं वहाँ फ्लाइट चलती है नहीं चलती, पर टाउन वो आ गया भाई। भैया आ गया मेन कोर्स, मेरा पास्ता। भाजी आपका क्या है ये? प्राइस भी तो है मेरे, पता नहीं क्या है। हाँ प्राइस भी है। तो भाई रूम में आ गए वापस खा पी के, और ये रूम में डेली का रख के चले जाएंगे एक दिन पहले ही। तो कल का हमारा है नेविगेशन ऑफ द ड्रेक पैसेज, ठीक है। और भाई 10 बजे है मैंडेटरी ब्रीफिंग, जिसमें जाना ही पड़ेगा। फिर भाई 2:30 बजे से 5 बजे तक है लगभग, आपको जैकेट देंगे और आपके लिए वाटरप्रूफ शूज़ देंगे। फिर 7 बजे कैप्टन का, 9:45 पे ड्रेक डांस पार्टी है कुछ करके है, ठीक है। पीछे भी लिखा है सब कुछ क्या 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 है और भी मतलब। तो फिर अब मिलते हैं आपको कल, देखते हैं ड्रेक पैसेज में क्या होता है। भाई अभी मैं खड़ा हूँ नहीं बालकनी में, और रात हो चुकी है, पर अगर आप मतलब दिसंबर या जनवरी में आओगे, दिसंबर जनवरी वगैरह में, तो फिर ये मान लो लगभग 24 घंटे या 20 घंटे तक दिन ही रहता है। पर अभी मार्च चल रहा है तो थोड़ी जल्दी रात हो जाती है, वैसे भी चलो 24 घंटे तो कोई बंदा वैसे भी नहीं जाग सकता। तो रात को अपना सोएंगे और देखते हैं भाई ड्रेक पैसेज कल कैसा रहता है, रात को ही पता चलने लग जाएगा हमको, क्योंकि जस्ट ये मान लो 2 घंटे बाद हम ड्रेक पैसेज में एंट्री कर लेंगे। और मोरे मुँह से देखो निकल रही है, मतलब काफ़ी ठंड है भाई। अभी रात के बजने लग रहे हैं 4, और मैं ये मान लो 2 बजे का उठा पड़ा हूँ। ये दारू नहीं भी रखी मैंने, शिप ऐसे भाई हो रखा है। और देखो यहाँ जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, देखो चलने में भी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे लिख दिया इन्होंने ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशन एक्सेस टू वाटर एज इज क्लोज्ड, यहाँ से रास्ता भी बंद कर दिया इन्होंने बाहर जाने का। मैं तो ऐसे ही कॉरिडोर में आ गया भाई, मेरे को भी मान लो पिछले 1.5 घंटे से तो नींद ही नहीं आने लग रही, हिल रहा है भाई शिप, और पूरा ऐसे आवाज़ आ रही है धम धम, क्योंकि पानी उस पर लग रहा है ना शिप के हल पे, मतलब हमारा जो रूम है वो भी सबसे आगे है, तो सबसे ज़्यादा आवाज़ भी हमारे पास ही आती है। पीछे होता तो रूम आवाज़ नहीं आती, पर पीछे वाले ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं रूम ऐसे कहते हैं। अभी दिखाता हूँ एक सेकेंड भाई, ये मैंने कैमरा बिल्कुल सीधा पकड़ रखा है अपने हाथ में, और एक खुद ही हिल रहा हूँ मैं बिल्कुल भी मतलब मैं नहीं हिलने लग रहा है, शिप खुद हिल रहा है। ये देखो भाई लहरों की आवाज़, आप इतनी ज़्यादा नहीं आती भाई कैरेबियन क्रूजेज वगैरह में, और अभी तो भाई शांत हो गई थोड़ी लहरें, और मेरे को बड़ा डर लग रहा है भाई अपनी बालकनी में खड़े होने में। भाई दिन के हो चुके हैं 8:30, हमारे तो नींद डिस्टर्ब हो गई इसलिए फिर नींद ही आ जा रही है। अभी भी बहुत ज़्यादा हिल रहा है भाई शिप, मैं सच बताऊँ तो।
हमारी पूरी दोनों चेयर भी गीली हो गई, पता नहीं बारिश से गीली हुई है समुंदर के पानी से, पर गीली हो चुकी है दोनों। ये देखो भाई, लहरें बहुत ही ज्यादा हैं। मतलब इस ड्रेक पैसेज को ये लोग शांत कहते हैं कि ये तो शांत है बिल्कुल। सामने ही भाई रेनबो हो रखा है, रेनबो है मतलब बारिश हुई है। हाँ ठीक है, लगभग मतलब रेनबो का मतलब यही सा होता है, बारिश हो रही है। ओ भाई देखो कैसे उठ रहा है शिप, दिख रहा है आपको? अब शायद दिखे। चलो अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। भाई अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, और कई बार क्या होता है भाई, पैर कम रखा जाता है, कई बार ज्यादा रखा जाता है, धरती ऊंची नीची हो जाती है एकदम से ही। भाई ब्रेकफास्ट ऐसा है कि ओ हाँ बिल्कुल ऐसे शिप ऐसे जा रहा है नीचे। तो ये ब्रेकफास्ट है भाई, ये बूफे टाइप है, तो इसमें से लेते हैं और दिखाते हैं आपको क्या क्या लिया हमने। मतलब रोज ही दिखा दिया करूँगा अलग अलग खाना। तो भाई यहाँ ब्रेकफास्ट करने बैठे थे, और देखो शिप जब ऊपर नीचे होता है ना, ऐसा लगता है कि बस लहर हमारे इस शीशे में से घुस जाएगी। बहुत पास चल रहे हैं हम अभी, देखो ज्यादा ही लहरें हैं भाई। ये तो कुछ अभी भी शिप हिल नहीं लग रहा है, देखो अब गई देखो बिल्कुल लहर पास। तो भाई ये दूसरे दिन की सुबह, और आज है भाई मैंडेटरी ब्रीफिंग कल की तरह, क्योंकि ये ब्रीफिंग है उन लोगों के लिए जो शिप से उतर के एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट पे पैर रखना चाहते हैं। अगर ये ब्रीफिंग कोई अटेंड नहीं करेगा तो उसको भाई शिप से नहीं उतरने दिया जाएगा एंटार्क्टिका जाने के लिए छोटी वाली बोट्स में। तो ये शायद एक घंटे की कुछ ब्रीफिंग होगी। सुबह के बज रहे हैं 10, ब्रेकफास्ट करके यहीं पर आ गए थे, तो सब लोग ही आएंगे लगभग। भाई अभी ये दिखाने लग रहे हैं कि कितनी हवा हवा चल जाती है, तो उस टाइम क्या करना है। देखो हवा वो हवा मारने लग रही है, वो दिखा रहे हैं कि भाई क्या क्या कर सकते हो आप। तो भाई ब्रीफिंग हो चुकी है आईटो के हिसाब से। आईटो है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी कुछ ऐसा है, मतलब जहाँ पे सारे शिप वगैरह एग्री करते हैं कि हम उसके हिसाब से चलेंगे। तो चलते हैं अब रूम में, क्योंकि अब हमको 2:30 से 3 बजे के करीब जाना है अपने बूट्स और जैकेट लेने। तो भाई अभी मैं ब्रीफिंग से आया था ना, तो उन्होंने कहा था कि आपको जो पार्का और बूट्स हैं वो 2:30 बजे से मिलना शुरू हो जाएंगे, प्लस आप जो भी मतलब बाहर चीज पहन के जाओगे जैसे ग्लव्स, पैंट, अपनी जैकेट हो गई, कोई टोपी हो गई, तो वो सिर्फ चीजें आपको लेके आनी है, और उनको वो करेंगे वैक्यूम कि भाई इनमें कुछ चीज मतलब कोई मतलब प्लांट सीड्स वगैरह ये तो नहीं है, पूरा सब कुछ वो वैक्यूम करेंगे, और पता नहीं अपने पास रख लेंगे उनको या फिर वापस दे देंगे, या फिर आप कोई बैग लेके जा रहे हो तो उनको भी वो वैक्यूम करेंगे। ग्रुप्स में बांट दिया बंदों को, और यहाँ पे जो अपना रूम का टीवी लगा हुआ है ना भाई, इसी में आ रखा है। देखो हमारा रूम नंबर 505 है, तो हमको 2:30 से 3 बजे के बीच में डेक 4 पे जाना है बायो सिक्योरिटी के लिए। प्लीज ब्रिंग ऑल यूज्ड आउटरवेयर, मतलब जो भी आप बाहर पहनोगे, वाटरप्रूफ पैंट्स, ग्लव्स, वो सारी लेके आनी है ताकि वो सब उन चीजों को वैक्यूम कर सकें। देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है वैक्यूमिंग का प्रोसेस। तो भाई यहाँ पे जैसे फ्लाइट ट्रैक हो जाते हैं ना, वैसे हमारे शिप भी ट्रैक होने लग रहा है कि कहाँ पे पहुँच गए हम। और मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन हमारी क्या है। 57 डिग्री साउथ पे हैं हम, और जो उशवाया था वो 54.5 डिग्री साउथ पे था, तो हम 3 डिग्री साउथ आए हैं लगभग। ये मानो हम 64-65 डिग्री साउथ तक हम जाएंगे एंटार्क्टिका में। तो जैसे जैसे देखो पोजीशन चेंज होती रहती है, 58.38, मतलब 57 डिग्रीज का अभी 58 पॉइंट ऐसे बढ़ रहा है। तो अभी हमारा क्रूज यहाँ पहुँचा हुआ है देखो, एंटार्क्टिका और उसके बीच में तो नहीं आया अभी हम, तो ये स्पीड वगैरह भी लिखे आती रहती है, 14-15 नॉट्स के स्पीड से चल रहे हैं बस हम। तो भाई यहाँ पे कल इन्होंने चलाया था एक आइसबर्ग स्पॉटिंग कॉन्टेस्ट भी, उस पर अपना रूम नंबर लिख सकते हो आप, और उसमें लिख दो कि पहला आइसबर्ग कब दिखेगा मतलब आपके हिसाब से। तो लोगों ने मतलब 15 तारीख की डेट डाल रखी है, मतलब कल की डाल रखी है लोगों ने डेट, ठीक है, और उस पर टाइम लिख दिया। तो इन्होंने कहा था जिसके पास दिखेगा उसका हम नाम भी अनाउंस करेंगे पूरे शिप में, तो मैं भी कुछ लिख ही देता हूँ, क्या पता जीत ही जाऊँ मैं, कुछ गिफ्ट शिफ्ट जा दे दे। भाई ये है इस क्रूज की पॉल्स पेंट्री कहते हैं यहाँ पे। आप मतलब पीने वीने की आपको सारी ड्रिंक्स मिल जाएगी, कॉफ़ी, हॉट टी, कोल्ड कॉफ़ी। तो मैंने अभी कैरेमल फ्राप्पे ऑर्डर करी है,
फिर पेस्ट्रीज, छोटे छोटे बर्गर मिल जाएंगे आपको। ये लगभग ये मान लो रात के 8 बजे तक खुली होती है, सुबह 6:30 खुल जाती है ये। जूस वगैरह ये लोग शायद सोना करने जा रहे हैं। भाई ये ले ली मैंने कैरमल फ्रापे कॉफ़ी, यहाँ से नज़ारा देख रहा हूँ बैठ के। अभी आउटर डेक सारे बंद हैं ट्रेक पैसेज में, देखो इसको शांत कहते हैं इस वाले ट्रेक पैसेज को। ये मैं तो सोच रहा हूँ भाई जो खतरनाक होगा वो कैसा होगा। भाई अब आ गए हम लंच करने, और लंच में भी देख लो भाई कितनी सारी वैरायटी हैं। और ये 1:30 बजे तक ये लंच आज 12 से 1:30, क्योंकि 1:30 बजे एक और ब्रीफिंग है भाई, वो बताता हूँ मैं आपको बाद में, पहले लंच कर लें भाई। तो यहाँ पे एक और लिस्ट लगा रखी है इन्होंने, जो कि सारे जानवर क्या कहते हैं बर्ड्स और मैमल्स वगैरह ये आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलते हैं सारे। और जिसके आगे आर लिखा है मतलब वो रेयर है, एम्परर पेंगुइन काफ़ी रेयर है, ये वाले रेयर हैं, ये रेयर है, ये रेयर है, आर 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 लिखे हैं ना, ठीक है। फिर लिखा है कि कौन से दिन पे कौन से दिखे, तो अभी तक हमको कुछ भी नहीं दिखा है, तो उसके आगे टिक लगा देंगे, ठीक है। तो भाई अभी एक लड़की आई, वो कहती है मेरे को हम्पबैक व्हेल दिख गई है पिछले दिन, उसने शायद फोटो वोटो दिखाई होगी कुछ, तो पता नहीं अपने रूम में से देखनी पड़ती है। तो भाई अभी बज गए हैं 12:30, और अभी एक और ब्रीफिंग है। ये ब्रीफिंग उन लोगों के लिए है भाई जो कि एक्सपीडिशन करना चाहते हैं, जो नॉर्मल वालों के अलावा, जैसे किसी को करने भाई कायाकिंग, किसी को करने पैडलिंग, किसी को करने कैंपिंग। तो हमारा भी कोई कंफर्म नहीं है, वो डिपेंड करता है कितने लोग कर रहे हैं, इसी चीज की अनाउंसमेंट चल रही है, तो वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी अगर आप करना चाहते हो। तो देखते हैं भाई क्या होता है, ये ऑडिटोरियम में जाना पड़ता है हमेशा भाई। ये कायाकिंग जाने से पहले टेस्ट भी कर रहे हैं फिजिकली सबको, कि ये कायक से उतर बैठ सकते हैं या फिर नहीं, ये सब करके दिखाना है। तो भाई हमने डिसाइड करा है कि कायाकिंग हम नहीं करेंगे, उसका एक मेन रीज़न उन्होंने ब्रीफिंग में ही बता दिया कि हो सकता है कि कायाकिंग करने के चक्कर में जो नॉर्मली हमको एंटार्क्टिका उस दिन उतारेंगे ना, वो हमारी मिस हो जाए, या तो मतलब हम लेट आ पाए, या फिर मतलब हमारा वो जो बोट से निकलेगी एंटार्क्टिका जाने के लिए, मतलब जिस भी आइलैंड पे जाएंगे वो हमारे ग्रुप की निकल जाए, तो उस दिन का हमारा एंटार्क्टिका का एक्सपीडिशन मिस हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई $117 दो भी, और एंटार्क्टिका भी एक्सपीडिशन उस दिन का मिस कर दो तो फिर वो कोई सेंस नहीं बना रहा। या तो इनको ऐसे अरेंज करना चाहिए कि जिस टाइम मेरा एक्सपीडिशन नहीं है उस दिन उस टाइम कायाकिंग कराओ। और भी 2-3 कंडीशन थी जो मेरे को मतलब थोड़ी सी अजीब लगी, तो मैंने कहा रहने दो कायाकिंग नहीं करते हैं, अपना नॉर्मल एंटार्क्टिका ही घूम लेंगे। $117 कुछ भी नहीं थे, ₹10,000 थे, तो ठीक है वो मना कर दिया। तो भाई अब हम जा रहे हैं इनको वैक्यूम कराने, जो जो कपड़े आप बाहर से पहनोगे ना बस वो लेके जाने, जैसे वाटरप्रूफ पैंट, टोपी, ग्लव्स और जैकेट तो ये लोग देंगे, और शूज़ भी ये लोग देंगे, तो हमको सिर्फ 3 चीज़ें लेके आनी थी। तो भाई यहाँ पे देखो, इन्होंने कहा कि आपके सही हैं सारे कपड़े, फिर भी मैं आपकी वीडियो के लिए कर देता हूँ। इन्होंने कहा कि आपके ना बिल्कुल नए ग्लव्स लग रहे हैं ये, और पैंट भी बिल्कुल सही है, वरना सब लोग देखो अपने वैक्यूम करा रहे हैं बैठे बैठे। तो अच्छा बाहर से ही कर रहे हैं, क्योंकि अंदर तो वैसे भी हमारे कपड़ों से टच होनी है, ठीक है हो गया, थैंक यू। तो ज़्यादातर उन लोगों का चल रहा है जिनकी मतलब साफ नहीं है, इन्होंने हमारे ग्लव देखे, पैंट देखी, बाहर से साफ थे, तो कहते कोई जरूरत नहीं है अभी तो। अब हमको भाजी जैकेट लेने जानी है अपनी और बूट्स, हाँ पर इनको रख के आ जाएंगे क्या? ऐसे चलो चलो ठीक है भाजी, साइन करना है, रुक जाओ साइन करने हैं भाई यहाँ पे। तो भाई अब जैकेट और बूट फिटिंग के लिए जाना है हमको डेक नंबर 3 पे, इस पे मैं पहली बार आया हूँ भाई डेक नंबर 3 पे, यहाँ से रेडी होके बोट्स में बैठ के जाना होता है, तो ठीक है चलो। भाई ये आ गए मड रूम में, अभी ये हमारे 505 का था, पाजी ने शायद थोड़ा लेट सबमिट करा था ऑनलाइन, तो पाजी की शायद टांग नहीं रखी यहाँ पे जैकेट, पर अभी दे देंगे वो, तो हमने मीडियम सेलेक्ट करी थी, पहन के देखते हैं सबकी, ये तोतिया स्मॉल करी थी सबकी, तोतिया रंग की है भाई सबकी जैकेट, तो क्या होगा मैं स्मॉल ले लूँगा अगर बढ़िया ही। तो भाई यहाँ पे मिल गई जैकेट, मेरे को लग रहा था कि एक नॉर्मल जैकेट टाइप मिलेगी, पर ये तो बहुत ही मोटी और बहुत ही लंबी है, और मैंने लिया था मीडियम साइज जो कि मेरे को थोड़ा बड़ा है, तो पाजी को कुछ ऐसी आई है स्मॉल साइज, तो ठीक है। ये ऊपर से लाइफ वेस्ट पहना दी, तो इन्होंने कहा है कि हो सके तो दे देंगे हम आपको, नहीं हो सके तो यही किसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है चला लेंगे काम, इससे नॉर्मल पहनने के लिए बिल्कुल भी नहीं है भाई ये। भाई दोबारा नीचे आ गया था
और जस्ट हमने अभी 59 डिग्रीज को क्रॉस कर लिया है, काफ़ी दूर जाना है अभी तो। ये मफिन ले लिया मैंने पॉलस पेंटी से, खाते रहो इससे मज़ा सा आता रहता है भाई। बहुत ही काम जर्नी निकल रही है, कोई शिप में इतनी हलचल नहीं हो रही। हाँ सोते वक्त तो लग ही रही है क्योंकि इतनी हलचल मैंने पहले ऑब्जर्व नहीं करी थी रॉयल कैरेबियन वाले में, क्योंकि बड़ा शिप था और शांत समुद्रों में था। ये कह रहे हैं बिल्कुल ड्रेक लेक है क्योंकि कुछ भी ज़्यादा खास हो नहीं रहा है, मतलब वेव्स इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, 9-10 मीटर तक वेव्स चली जाती है भाई, ये सिर्फ 2-3 मीटर वाली वेव्स हैं, तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब लोग काम है। थोड़ा चलने में दिक्कत हो रही है, इतना कुछ हो नहीं रहा। वापस भी इसी से आना है तो क्या पता भाई 7-8 दिन बाद जब वापस आए तो ये ख़तरनाक हो चुका हो, पर कुछ कह नहीं सकते अभी तो, सब कुछ काफ़ी काम चल रहा है। हाँ मतलब नॉर्मल समुंदर से ज़्यादा वेव्स है, पर मतलब ये मान लो नॉर्मल समुंदर से डबल के करीब होंगी, पर इतनी ज़्यादा नहीं है जितने के लिए ड्रेक पैसेज बदनाम है। हमको चले भी हो चुका, अब होने वाला है लगभग 22 घंटे, और शायद अभी मान के चलो अगले 22 घंटे और लगेंगे पहुँचने में। तो भाई अभी कहोगे आप ही कैसा एंटार्क्टिका दिखा रहा है भाई, कि शिप में ही बैठा है भाई, लगेंगे अब क्या कर सकते हैं, 2 दिन जाने में लगेंगे, 2 दिन आने में भी लगेंगे, एंटार्क्टिका में 5 दिन होंगे। कई सारे पैकेजेस होते हैं जिसमें आप फ्लाई कर सकते हो ड्रेक को, मतलब आप एयरप्लेन में जाओगे और फिर आपको वो कहीं पे लैंड करवा के शिप में बिठा देंगे, कुछ ऐसा होता है, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। पर मेरे को भाई पूरा एक्सपीरियंस लेना था, तो अगले 4-5 दिन तो बहुत बिजी रहने वाले हैं, फिर आते वक्त भी सेम ही है, तो जो चल रहा है भाई मैं दिखा रहा हूँ, ये भी मतलब जर्नी का पार्ट ही है, तो दिखा रहा हूँ मैं आपको कैसा हो रहा है ड्रेक पैसेज। आप आओगे तो बहुत बुरा भी हो सकता है, क्या पता इससे भी ज़्यादा शांत हो। तो भाई अभी हो गया डिनर का टाइम, और जब मैं ओमियाकॉन गया था और यकुत्स गया था तो बहुत सारे लोगों ने लिखा था भाई अंटार्कटिका कोल्डेस्ट जगह। हाँ भाई अंटार्कटिका कोल्डेस्ट जगह, पर वहाँ पे कोई रहता नहीं है, और जहाँ पे हम अंटार्कटिका में जा रहे हैं ना वहाँ पे तो अभी गर्मियां चल रही हैं अंटार्कटिका में भी और साउथ ये अमेरिका साइड भी, तो मतलब ये मान लो -2, -3, -5, -10 से ज्यादा नहीं जाने वाला टेम्परेचर। और मैंने अभी डाली थी उशुआया की रील, तो मैंने कह दिया मैं 0 डिग्री में खड़ा हूँ, ठीक है, तो लोग कहते, एक दो बंदों ने कमेंट किया था, ज्यादा उन्होंने नहीं किया, कि भाई बर्फ कहाँ है। अरे भाई 0 डिग्री पे जरूरी थोड़ी ना बर्फ गिरे, अभी शायद 1 महीने बाद उशुआया में बर्फ गिर जाएगी। 0 डिग्री पंजाब में, हरियाणा में, कितनी जगह चला जाता है, आज इस बार तो गुलमर्ग में 0 डिग्री चला गया, 0 के -5-7 भी चला गया, पर बर्फ नहीं गिरी। वो तो भाई मौसम के ऊपर डिपेंड होता है ना कि बर्फ कब गिरे। अब मैं एक थर्मामीटर लाया हूँ अपने साथ दिखाने के लिए, खासकर एंटार्क्टिका के लिए, इंडिया से खरीद के लेके आया था मैं, सच में टेम्परेचर दिखाने के लिए। मैं एंटार्क्टिका जाके कह दूंगा कि भाई यहाँ तो पॉजिटिव में टेम्परेचर हो रहा है, लोग मानेंगे नहीं, अब मेरे को कह देंगे भाई वहां पे तो माइनस में टेम्परेचर हो रहा है, कि तू पॉजिटिव कहने लग रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, देखो, अरे यार ये तो मूवी लगा दी। 59 डिग्री साउथ पे आ चुका हूँ, और मैं थर्मामीटर में आपको दिखाता हूँ टेम्परेचर, ये देखो भाई 4.1 डिग्री सेल्सियस अभी हो रहा लग रहा है बाहर का टेम्परेचर। आधे रास्ते पे एंटार्क्टिका में पहुंच चुके हैं, और जैसे ही इस थर्मामीटर को मैं अंदर लेके जाऊंगा ना, इसमें बढ़ने लग जाएगा टेम्परेचर एकदम से। अंदर का टेम्परेचर को 21 डिग्री होने लग रहा है, देखो एकदम से बढ़ने लग गया, 5.3 एकदम से बढ़ जाएगा, 6.1। अबे पूरा तो दिखा के वीडियो खींच नहीं सकता, तो अभी देखेंगे एंटार्क्टिका में जहाँ जहाँ हम रुकेंगे मैं आपको रोज इससे टेम्परेचर भी दिखाऊंगा। भाई मैं सही बताऊँ, इन शिप्स पे ना ऐसा मेन्यू होता है अला कार्ते में ना, कि मतलब आम आदमी को ना समझ में नहीं आता भाई क्या क्या लिखा हुआ है। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या डिश है क्या है, बस अब मतलब अंदाजे से मंगाएंगे हम कि भाई क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं। चलो भाई देखते हैं, हर शिप पे ही ऐसा होता है कि मतलब आम बंदे के सिर के ऊपर से निकलते हैं चीज़ें ये। तो भाई लगभग हमको हो चुके हैं, अब 9 बज चुके हैं, तो हमको हो चुके 27 घंटे उशुआया से निकले हुए, और शायद अभी 17 से 18 घंटा और लगेगा हमको भाई अंटार्कटिका पहुँचने में। तो हमने यहाँ पे भाई आइसबर्ग का टाइमिंग लिख दिया है मैंने और भाजी ने, कई लोगों ने आज रात को ही 2 बजे लिख रखा है, कई लोगों ने तो भाई कमाल ही कर दिया 16 तारीख को लिख दिया, 16 को कैसे भाई, तो हमने लिख दिया भाई 15 तारीख को, पाजी ने लिख दिया 7:13, मैंने लिख दिया 5:13 कि पहला आइसबर्ग इतने बजे दिखेगा। तो भाई ये बैटलशिप वाली गेम होती है, यहाँ करें पाजी ने अटैक, यहाँ मैंने अटैक करे हैं, ये मिस हो गए मेरे सारे, यहाँ पाजी ने अटैक करे जो लाल वाले हैं, ये देखो सारे पाजी के मिस हो रखे हैं, एक भी मेरे शिप पे अटैक नहीं कर पाया अभी तक, और मैं भी नहीं कर पाया, खैर ये तीनों मेरे मिस हो हैं अकॉर्डिंग टू पाजी। चलो भाई गेम खेल ली, अब शायद मैं रूम में जाके मूवीज देख लूंगा, क्योंकि जो टीवी है ना उसमें 250 से ज्यादा मूवीज लोडेड है पहले से, तो वो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो को रखते हैं तक, आइसबर्ग किसका दिखा, कौन जीता, कितने बजे दिखा, वो सब अगली वीडियो में। कल हम होपफुली एंटार्क्टिका पहुंच जाएंगे और आपको कुछ शिप के अलावा कुछ और दिखाऊंगा मैं। तो इस वीडियो को रखते हैं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।